गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के लिए एडिटोरिया लक्ष्य 2.0 की बुक से 69 BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 1 लेकर आया हूँ। तो चलिए अब हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से विथ फुल डिस्कशन के साथ अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, अवींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है, तो क्या हो जाएगा इसका? अवींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग जो है वो ऑप्शन नंबर बी पुनरुत्थानवादी है। क्या है? पुनरुत्थानवादी है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो अवींद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश काल के वर्चस्व को तोड़ने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने गगनेंद्रनाथ टैगोर की मदद से 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। अवींद्रनाथ टैगोर बंगाल में आधुनिक भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में पुनरुत्थानवादी आंदोलन के नेता थे। किसके नेता थे? तो पुनरुत्थानवादी आंदोलन के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? तो इसका हम लोग आइए पढ़ते हैं। तो तिलक ने जो है 1893 में गणपति उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव शुरू किया, तो ये हमारा सही है। तिलक ने गौ हत्या विरोधों का समर्थन किया, तो ये भी हमारा जो है वो एकदम बिल्कुल सही है। और प्रथम विश्व युद्ध में तिलक ने अंग्रेजों का समर्थन किया, तो ये भी हमारा जो है ऑप्शन सही है। तो इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव शुरू किया। तिलक ने गौ हत्या विरोधों के बड़े समर्थक थे और प्रथम विश्व युद्ध में बाल गंगाधर तिलक ने महात्मा गांधी के साथ जो है मिलकर अंग्रेजों का समर्थन किया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो वो किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठक्कर बापा के द्वारा। किसके द्वारा? ठक्कर बापा के द्वारा। अब आदिवासी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आदिम लोग। ठक्कर बापा ने पहली बार जो है वो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। अमृतलाल विठल दास ठक्कर को लोकप्रिय रूप से ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो वुड डिस्पैच, कोलकाता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट और हिंदू कॉलेज, और सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या आया। तो हमारा आ जाएगा सबसे पहले हिंदू कॉलेज आया था, ठीक है। तो हिंदू कॉलेज जो है वो कब बना? तो 1817 में, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा आया? फिर उसके बाद हमारा आया एडम की रिपोर्ट। कब आई? 1835 में एडम की रिपोर्ट आई, ठीक है। उसके बाद हमारा वुड डिस्पैच आया 1854 में। वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में। उसके बाद जो है हमारा कोलकाता विश्वविद्यालय आया 1857 में। तो इसके अनुसार हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शिमला प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित में से किससे जो है वो संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग। तो जो शिमला जो प्रतिनियुक्ति है वो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग से संबंधित है। अक्टूबर 1906 में आगा खां द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधिमंडल ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग के लिए लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यस्से सही नहीं है, कौन से सही नहीं है। तो चलिए हम पढ़ते हैं वन बाई वन। इससे अनुशीलन समिति का अंत हो गया, ये सही है। इस मामले में चित्रंजन दास द्वारा सर अरविंदो का बचाव किया गया, ये भी सही है। इस मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सब ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी अनुशीलन समिति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किए थे जतेंद्रनाथ मुखर्जी ने। किसने किया, जतेंद्रनाथ मुखर्जी ने पश्चिमी अनुशीलन समिति का नेतृत्व किया। और जतेंद्रनाथ जो मुखर्जी हैं, जिन्हें बाधा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, ने पश्चिमी अनुशीलन समिति का नेतृत्व किया था। यह जो समूह है टैक्सी कैब और नाव डकैतियों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रामोशी किसान नेता भारत के किस भाग में सक्रिय थी, तो किस भाग में सक्रिय थी भारत के, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। रामोशी किसान सेना जो था वो महाराष्ट्र राज्य में सक्रिय थी। इसकी नींव जो है 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने रखी थी। यह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसमें संचार व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई थी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका हो जाएगा किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा लिखी गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने दो पत्रिकाएं शुरू की, एक मराठी में केसरी और दूसरी अंग्रेजी में मराठा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका हो जाएगा किसके द्वारा की गई थी, तो भी इसमें हमारा हो जाएगा तारकनाथ दास, तारकनाथ दास और जीडी कुमार दोनों के द्वारा जो है यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। जो विदेश भूमि में क्रांतिकारी गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए 1910 में सिएटल में तारकनाथ दास और जीडी कुमार द्वारा यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यस्से कथन सही है, तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की, बिल्कुल सही है। तिलक ने अप्रैल में 1917 में होम रूल लीग की स्थापना की, ये नहीं सही है। 1920 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की, तो ये हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है गलत है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और तिलक की लीग का जो मुख्यालय था वो पूना में था। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का जो प्रावधान है वो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो किस अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का प्रावधान लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार विषयों को दो समूहों में बांट दिया गया, एक को आरक्षित और दूसरे को हस्तांतरित विषय कहा गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यस्से कथन जो है वो सही नहीं है, तो कौन से कथन जो है वो सही नहीं है, तो तीन कठिया प्रथा जो है के विरुद्ध इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी सरकार द्वारा नियुक्त चंपारण कृषि समिति के सदस्य नहीं थे, तो ये हमारा जो कथन है
वो सही नहीं है। और यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सविनय आंदोलन था, ये हमारा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही नहीं है। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी तीन कठिया व्यवस्था के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया और महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था और महात्मा गांधी जो हैं वो सरकार द्वारा गठित चंपारण कृषि समिति के सदस्य थे। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अठारह सौ संतावन के विद्रोह में मध्यम वर्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया गया। तो इसको चलिए हम लोग थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं कि विद्रोह देश के सभी हिस्सों में नहीं फैला और भारतीय समाज के सभी समूहों और वर्गों ने इसका समर्थन भी नहीं किया था। भारत का दक्षिण और पश्चिमी हिस्सा काफ़ी हद तक विद्रोह के दायरे से बाहर रहा और इस विद्रोह में कई भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। मध्यम और उच्च वर्ग तथा आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने भी विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुप्ले ने। तो डुप्ले ने 1742 ईस्वी में भारत में सभी फ्रांसीसी क्षेत्रीय संपत्तियों का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसने भारत में एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से कई स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन बनाना शुरू कर दिया था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल ठगों के दमन से संबंधित था? कौन गवर्नर जनरल था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगों को दबाने के लिए कैप्टन विलियम स्लीमैन को नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा या से सुमेलित सही सुमेलित है? तो बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह जो है वो झारखंड में हुआ था। और पवना विद्रोह अवध में, यह हमारा गलत है। पवना विद्रोह जो है वो 1873 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। ईशान चंद्र राय ने इसका नेतृत्व किया था। और एका आंदोलन बंगाल में, ये हमारा गलत है। एका आंदोलन जो है वो 1921-22 में अवध में, जिसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन महावीर के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन जो है महावीर के बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने पहली बार नालंदा की पांच पहाड़ियों में धर्म का प्रचार किया, ठीक है। कौन बारे में सही नहीं है? ठीक है, ये 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया, ये भी सही है। और जैन धर्म के सभी पाँच सिद्धांत महावीर द्वारा दिए गए, तो ये जो है हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिका नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे जो है वो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने पहली बार नालंदा की पांच पहाड़ियों में उपदेश दिया था और केवल जो है वो पाँचवा सिद्धांत जो है वो महावीर द्वारा जोड़ा गया था, न कि सभी पाँच सिद्धांत। और अन्य चार उन्होंने पिछले तीर्थंकरों से लिए थे। और 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पावापुरी नालंदा में निर्वाण प्राप्त किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीन रत्न निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। तीन रत्न या त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ये तीन रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 अंग और 12 उपांग अंतिम रूप से किन जैन परिषदों में संकलित किए गए थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय जैन परिषद। तो पहली जैन परिषद तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और प्रथम जैन परिषद में लुप्त पूर्वों के स्थान पर 12 अंग संकलित करने का कार्य प्रारंभ किया गया था।
दूसरी जैन परिषद 512 ईस्वी में देवार्धि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में वल्लभी में आयोजित की गई थी और इसके परिणाम स्वरूप 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं जो है वो लिखी जाती थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खरोष्ठी लिपि। जो खरोष्ठी लिपि को जेम्स प्रिंसप ने इंडो ग्रीक काल के द्विभाषी सिक्कों का उपयोग करके पढ़ा था। यह लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। हिंद भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरब के द्वारा। तो हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने सिंधु नदी के कारण किया था। वे स को ह बोलते थे और सिंधु को हिंदू कहते थे। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सबसे पुराना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो सबसे पुराना है। इस उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना और उपनिषदों की संख्या जो है मूल रूप से 108 थी, जो अनुष्ठान बलिदान और तत्व मीमांसा के महत्व से संबंधित है। और तत्व मीमांसा का अर्थ है मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पुराना है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों की भाषा कौन सी है? तो इसका हो जाएगा प्राकृत ग्रीक और अरमाइक तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हर्षवर्धन के बारे में सही नहीं है? तो वह पुष्यभूति वंश के थे, सही है। हर्षवर्धन ने 3 नाटक रत्नावली कादंबरी और प्रियदर्शिका लिखी है, ये भी सही है। और हर्षवर्धन को जानने का मुख्य स्रोत राजवर्धन द्वारा लिखित हर्ष चरित है, तो ये हमारा गलत है। हर्षवर्धन को जो जानने का मुख्य स्रोत है बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित्र है, न कि राजवर्धन द्वारा लिखित हर्ष चरित। किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा लिखित जो हर्ष चरित है उसमें हर्षवर्धन को जानने का मुख्य स्रोत उपलब्ध है। तो हमारा इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था? तो किस चोल शासक ने कर लिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र चोल ने। और चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और राजा चोल ने उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया, लेकिन राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। और राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर नामक एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किया गया था? तो किस शासक द्वारा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो है वो जारी किया गया था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडोलॉजी के जनक और प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी को जाना जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में सही नहीं है? तो इसका पढ़ते हैं हम लोग। तो वह इलबरी जनजाति से थे, बिल्कुल सही है। उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, ये भी सही है। दिल्ली सल्तनत में वंशानुगत उत्तराधिकारी की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शेर शाह शासन के दौरान प्रशासनिक विभागों और उनके प्रमुखों का कौन सा या शेष सही मेल है? तो कौन सा मेल जो है वो सही है?
तो सैन्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? सिकदार, बिल्कुल सही है। और भू राजस्व को क्या कहा जाता था? अमीन कहा जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। लेखाकार को क्या कहा जाता था? कारकुन कहा जाता था, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसका हो जाएगा बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की गई है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य है, तो क्या सत्य है? इसकी प्रकृति सकारात्मक है? नहीं। यह सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की बात करते हैं? नहीं। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? गलत हो गया। तो इसका जगह ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है। इसके हनन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मामले की जांच कर निर्णय देता है, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये एवं वह सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की बात करता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसकी संरचना ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना है? नहीं। ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है? बिल्कुल सही है। ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 के सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में हुआ है? तो अनुच्छेद 40 में, ठीक है। और समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का कौन से अनुच्छेद में हुआ है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। और कृषि एवं पशुपालन कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 48। और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण तो अनुच्छेद 50। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसके अनुसार हमारा सी ए का चौथा, हाँ ठीक है। तो इसके अनुसार जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो इसका हो जाएगा ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक राज्यों की सरकारें हों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्धिता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण जो है वो कौन करता है?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य का विधान मंडल। राज्यों की राजभाषा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 345 में दिया गया है। अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, तो किस निकाय का नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, क्षेत्रीय परिषद। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का रंग जो है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी परमाणु के मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2n2। और गन मेटल के निर्माण में धातुओं का कौन सा मिश्रण प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा, टीन और जस्ता। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रात्रि के समय आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है, इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है, तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर तारे का जो प्रकाश है वे पृथ्वी तक पहुंचने से पहले लगातार अपवर्तन से गुजरता है, और वायुमंडल अपवर्तन धीरे धीरे बदलते अपवर्तनांक वाले माध्यम के कारण होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, फोटोवोल्टिक प्रभाव पे। सौर सेल किस पे काम करते हैं, फोटोवोल्टिक प्रभाव पे, तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जलरोधक गुण का कारण है, तो इसका क्या कारण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा पहला ऑप्शन इसका पृष्ठ तनाव हो जाएगा, तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए केवल एक हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके प्रदूषण के कारण होती है, तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत जनरेटर मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत जनरेटर, तो इसका हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज केवल 4 इज करेक्ट हो जाएगा। और अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। CaSO4 हाफ H2O निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह CaSO4 हाफ H2O में परिवर्तित हो जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, और इसका उपयोग जो है वो सीमेंट उद्योग और मूर्ति निर्माण में किया जाता है। एक प्रणाली जिसमें दो समान और विपरीत आवेश एक समिति सीमित दूरी से अलग होते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ध्रुव द्विध्रुव। क्या कहलाते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, सही है।
विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की तरह सतह की के लंबवत होती हैं, ये भी सही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकती, ये हमारा जो है वो गलत है। तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं केवल धनात्मक आवेश से उत्पन्न हो सकती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो सकती हैं, तो यह जो है ऋणात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा जो है वो गलत है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एलईडी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, तो इसका हो जाएगा तीव्र कार्यवाही और कम परिचालन वोल्टेज, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। एलईडी को कम परिचालन वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वे अन्य प्रकाश स्रोतों की तुलना में तेज क्रिया और लंबे जीवन वाले होते हैं। उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपको सौर सेल का, तो ऑप्शन नंबर बी इज केवल थ्री इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब किसी भूसंचालित चालक को उसके निकट लाया जाता है तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, उसकी धारिता जो है वो बढ़ता है। पृथ्वी से जुड़े होने के कारण पृथ्वी चालक की विद्युत क्षमता कम होती है या चालक की धारिता को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में मौजूद सरल स्थायी उत्तकों का एक समूह है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पौधों में जो है मुख्यतः तीन सरल स्थायी उत्तक पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। ये स्थायी उत्तक जो है पौधों के विकास में सहायता करते हैं और जो जाइलम और जो फ्लोएम होता है वो जटिल उत्तक होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उस प्रजाति का नाम बताइए जो प्रोकैरियोट्स के साथ साथ एक कोशिकीय भी है, तो कौन सी प्रजाति है, तो उसका नाम है पोरी फेरा, कौन है, पोरी फेरा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वसन के दौरान मानव शरीर में क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है वो होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का कार्य है, तो जल का जो है वो अवशोषण करना, तो ऑप्शन नंबर सी केवल चार। तो बड़ी आंत के कार्यों में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना, विटामिन बनाना और अवशोषित करना आदि शामिल है। मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपको स्कार्बिक एसिड, स्कार्बिक एसिड जो है जो बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वायुजनित रोग है, कौन सा वायुजनित रोग है, तो ऑप्शन नंबर ए खसरा, खसरा जो है वो वायुजनित रोग है। तो वायुजनित रोग वायु संचरण द्वारा फैलने वाले संक्रमण हैं, चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, तपेदिक आदि जो है इन रोगों के उदाहरण हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इंसुलिन एक वसा भंडारण हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है और चयापचय प्रक्रियाओं का नियंत्रित करता है, सही है। मेलाटोनिन का उत्पादन मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि द्वारा होता है और मस्तिष्क जो सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह जो है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल वन इज करेक्ट हो जाएगा।
गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसमें बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर की आवश्यकता के अनुसार विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है और अनाज को सुनहरा रंग देता है। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलियो वैक्सीन की खोज की? किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोन्स साल्क ने। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा संवर्धन के बिने पौधे। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि जिसमें पौधे खनिज घोल से अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यह विधि साग सब्जियों और जड़ी बूटियों को उगाने के लिए उपयुक्त है क्योंकि उनकी जड़ें जो है गहरी नहीं होती हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसकी स्थिति के कारण होती है? किसके कारण होती है? तो यूरिक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर सी केवल दो जो है करेक्ट है। तो गठिया रोग जो है जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमाव के कारण होता है जिससे जोड़ों में सूजन आ जाती है। जिम्नोस्पर्म स्पर्म में बीज होते हैं तो हमेशा नग्न। कैसे होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म स्पर्म में निषेचन से पहले और बाद में उनके बीजांड स्वतंत्र रूप से खुले रहते हैं। वे किसी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं रहते हैं और इनसे बनने वाले बीजों में बीज आवरण का अभाव होता है। अतः अंडाशय की दीवार और बीज आवरण के अभाव के कारण इनके जो बीज हैं वो नग्न होते हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। पॉलीसीथेमिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित बीमारी है? किससे संबंधित बीमारी है? तो लाल रक्त कोशिकाओं से। किससे? लाल रक्त कोशिकाएं से संबंधित है पॉलीसीथेमिया बीमारी। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने स्वतंत्रता के बाद अक्सर एक योजनाबद्ध और मिश्रित आर्थिक मॉडल अपनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित आर्थिक मॉडल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कब समिति का गठन औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के निर्माण के दौरान किया गया था? तो समिति का संबंध था क्या था? तो लघु उद्योगों का विकास। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किसके उत्तराधिकारी निकाय के रूप में की गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैट टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा धारकों में से मुद्रा भंडार धारकों में से एक है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं कौन कौन शामिल हैं? विदेशी मुद्रा संपत्ति FCA, सोने का भंडार और विशेष आहरण अधिकार SDR। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और अनौपचारिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों की सही विशेषताओं का चयन करें। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? अपने श्रमिकों के लिए अनियमित वेतन सही है। श्रमिकों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं ये भी सही है। निम्न तकनीक सही है। खातों का अनुचित रख रखाव ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्क्यूफ्लेशन शब्द के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल चयनित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। अर्थशास्त्र में वस्तुओं के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भोजन और कपड़ों जैसी वस्तुएं और प्रतिक्रिया जैसी सेवाएं जिनका उपभोग उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर किया जाता है पूंजीगत सामान कहलाते हैं। तो ये गलत है, पूंजीगत सामान नहीं कहलाते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। तो ये भी हमारा
गलत है, इनका इन्वर्स हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि भोजन और कपड़े जैसी वस्तुएं और प्रतिक्रिया जैसी सेवाएं जिनका उपभोग उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर किया जाता है वो उपभोक्ता वस्तुएं कहलाते हैं, और वे वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीडीपी की गणना करते समय देश में विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल सही है, जीडीपी की गणना करते समय देश के बाहर किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है, ये गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया है? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी 15,000 रुपये। आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है? नहीं, यह FRBM अधिनियम 2003 के तहत अनिवार्य दस्तावेजों में से एक है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है और केंद्रीय बजट से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा हो जाएगा? हाँ ठीक है, और बजट 7 प्राथमिकताओं को अपनाता है, उपरोक्त में से कौन सा या उनमें से नहीं है? कौन सा उसमें से है या नहीं है? तो समावेशी विकास बिल्कुल सही है, अंतिम मील तक पहुंचना ये भी सही है, बुनियादी ढांचा और निवेश ये भी सही है, और क्षमता को उजागर करना ये भी हमारा सही है। तो कौन से प्राथमिकताओं को नहीं अपनाता है? तो उनमें से नहीं है, तो ये चारों हमारा ऑप्शन सही है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो हो जाएगा, क्योंकि बजट जो है 2023-24 की 7 प्राथमिकताएँ यानी सप्तऋषि हैं, जो इस प्रकार हैं: समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुँचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? इसका जगह ऑप्शन नंबर सी 2.98%। और बिहार की जो है अनुमानित GSDP कितनी है? तो 5.58 लाख करोड़ रुपए। और GSDP के अनुसार राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितना है? 2.98%। और राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? तो कुल गैर माइनस ऋण व्यय माइनस कुल गैर माइनस ऋण प्राप्ति। सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच बिहार में वार्षिक मुद्रा स्फीति दर थी, तो कितनी थी? इसका जगह ऑप्शन नंबर बी 3.1%। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका की किस्में हैं? तो किसकी किस्में हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कॉफ़ी की किस्में हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सारगासो सागर स्थित है, तो सारगासो सागर जो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर में स्थित है। लदांग, मिल्पा और चेना किसके नाम है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरित खेती के नाम है। किसके नाम है? स्थानांतरित खेती के। झूम की खेती कहाँ होती है? तो भारत में। और लदांग की खेती मलेशिया में। और मिल्पा की खेती अफ्रीका में। और चेना की खेती कहाँ होती है?
तो श्रीलंका में होती है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार में स्थित है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थंडर स्टॉर्म के लिए कौन सा बादल जिम्मेदार है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपासी वर्षी मेघ। कौन जिम्मेदार है? तो कपासी वर्षी मेघ। ये सभी बादलों में सबसे ऊंचे हैं, ये 20,000 फीट के आधार से लेकर 30,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर हैं। ये काले और सफ़ेद गोलाकार बादल हैं, इसे थंडर क्लाउड भी कहा जाता है, और यह गरज और रोशनी के साथ संवहनीय वर्षा लाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? सुमनसिरी ये है, धनसिरी भी है, मानस भी है। तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील तिब्बत के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से है। यह अरुणाचल प्रदेश के सदिया टाउन के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है, और इसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं वो हैं दिबांग, सिकांग, लोहित, बूढ़ी, दिहांग, धनसरी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? महासागरीय धारा और निकटवर्ती तट। तो अगुलहास जो है वो अफ्रीका का पूर्वी तट है। कौन सा? अगुलहास। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। हम्बोल्ट जो है वो अफ्रीका का पश्चिमी तट है। तो ये हमारा गलत है। हम्बोल्ट जो है वो किसका? तो चिली के पश्चिमी तट पर है, ठंडी जलधारा है। और लेब्राडोर जो है वो ग्रीन लैंड का पूर्वी तट है। तो ये जो हमारा है ये हमारा कौन सा? लेब्राडोर। तो ये हमारा सही है। चलिए अब हम आते हैं अपने लेब्राडोर, ये हम्बोल्ट अफ्रीकी का पश्चिमी तट है, ये सही है। लेब्राडोर जो है ग्रीन लैंड का पूर्वी तट है, ये हमारा सही नहीं है। लेब्राडोर जो है वो कनाडा के पूर्वी तट पर है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दामोदर घाटी अपलेसियन क्षेत्र के कारागंडा बेसिन निम्नलिखित में से किन खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर सी, कोयला के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलों की श्रेणी में आती हैं? तो कौन सी आती है? तो हो जाएगा हमारा कपास और तुरहर, तुरद मतलब अरहर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टाने औषधि चट्टान है? तो इसमें कौन सी चट्टाने जो है, तो कोयला और पोटास जो है वो हमारा औषधि चट्टाने हैं, लेकिन जो स्लेट है ये हमारा कौन सी चट्टान है? रूपांतरिक चट्टान है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय परतों का जो है सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल, फिर सबसे लास्ट में सबसे ऊपर बहिर मंडल। तो इसके अनुसार जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। सोन नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, अर्थात यह उत्तर की ओर बहती है, जबकि गंडक और कोसी जो है वो नदी दक्षिण की ओर बहती है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार मैकल श्रेणी से है। यह चार राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार से होकर बहती है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं सोन नदी की? तो बामास, उत्तरी कोयल, गोपद, रिहंद, जोहिला और कन्हौर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या अर्थात एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में। कहाँ पे?
मिजोरम में। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वाल्मीकि रामायण में वर्णित राम द्वारा राक्षसी ताड़का के वध का संबंध वर्तमान बिहार के किस क्षेत्र से माना जाता है? तो किस क्षेत्र से माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम बिहार से। कहाँ से माना जाता है? दक्षिण पश्चिम बिहार से। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राच्य या मध्य देश। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक नए राजवंश के रूप में उत्तरकालीन गुप्त वंश की स्थापना की थी? तो कौन था वो? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए, माधव गुप्त। सिकंदर लोदी द्वारा 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार शरीफ से मिलता है। बाबा भागीरथ मांझी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह से है? तो किससे है इसका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफा होड़ आंदोलन से। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था? तो इसका हो जाएगा गंगा शरण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस जो सोशलिस्ट बिहार सोशलिस्ट पार्टी है उसका इन तीनों से संबंध था। इसका ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता को वर्ष 1912 में कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रथम बिहारी जज नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसन इमाम को। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोपिन ने अपने जलवायु विभाजन में बिहार के दक्षिणी भाग को जलवायु के अंतर्गत किस जलवायु के अंतर्गत माना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए डब्लू। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में आद्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? तो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, बांका जिले में। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में सूर्योदय सबसे पहले जो है वो होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। बिहार का प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। यह वर्तमान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो किस जिले में अवस्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारण जिले में। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवहर। निम्नलिखित में से किस नहर का संबंध कोसी परियोजना से नहीं है? तो पूर्व कोसी नहर, पश्चिम कोसी नहर और राजपुर नहर, इन तीनों से है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लुप्त प्राय प्रजाति काला हिरण बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है बक्सर और कैमूर में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बक्सर, भोजपुर और कैमूर तीनों में पाया जाता है। तो काला हिरण जो है वो बक्सर, भोजपुर और कैमूर के नदी क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार सरकार ने इन दुर्लभ काले मृगों को बचाने के लिए एक पहल शुरू की। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में 2,926 काले हिरण हैं। हाल ही में जुलाई में एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में विकास परियोजना के लिए भारत सरकार के साथ दो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? किसके किसके साथ किए हैं? तो बिहार और राजस्थान के साथ किए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हाल ही में उद्घाटन किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें।
क्या विचार करना है इस पे कि आईसीसी कॉम्प्लेक्स का नाम भारत मंडपम रखा गया, बिल्कुल सही है। आईसीसी कॉम्प्लेक्स को भारत के सबसे बड़े एमआईसीसी बैठक प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां गंतव्य के रूप में विकसित किया गया। नहीं, कार्यक्रम में 20 रुपये मूल्य के 2 G20 स्मारक सिक्के लॉन्च किए गए हैं। हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। पांचवा हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो किस शहर में हुआ है, तो कहाँ हुआ है, ऑप्शन नंबर सी खजुराहो में। नामदा क्राफ्ट निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर से। जून 2023 में अग्नि वन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण प्रक्षेपण किया गया, कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। एनएचपीसी लिमिटेड ने फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के विकास के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसके साथ, तो ऑप्शन नंबर बी नेपाल के साथ। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता है, तो यह जीता है ऑप्शन नंबर बी भारत ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए रवनीत कौर को। ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईआईटी कानपुर। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी 161वां। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किस मंत्रालय द्वारा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या था, तो इसका विषय था ऑप्शन नंबर ए हमारे साथ हमारे लिए नहीं। और 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अग्रदूत डॉक्टर जफरुल्ला चौधरी का निधन हो गया, वे किस देश के थे, तो वो किस देश के थे, तो डॉक्टर जफरुल्ला चौधरी जो थे वो बांग्लादेश के थे, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई वह बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानी थे। पुथुंडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर तीन सी तमिलनाडु में। यह तमिल नव वर्ष है और इस वर्ष यह 14 अप्रैल को मनाया गया और तमिलों द्वारा तमिल महीने चितिराई के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है, तो ऑप्शन नंबर बी घाना। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की पहली ग्रीन एविएशन फ्यूल फर्म स्थापित करेगी, कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए पानीपत हरियाणा में। मिगुएल डियाज कैनल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है, तो किस देश के, तो क्यूबा देश के राष्ट्रपति के रूप में। एक पंचायत एक खेल का मैदान किस राज्य की पहल है, तो इसका हो जाएगा जो एक पंचायत और एक खेल, हाँ ठीक है, एक पंचायत और एक खेल का मैदान किस राज्य की पहल है, तो इसका हो जाएगा केरल। केरल ने खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए यह पहल जो है शुरू की थी, एक पंचायत एक खेल का मैदान, तो इसके अनुसार हमारा हाँ ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट हो जाएगा। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चंपारण मटन फिल्म को ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में चुना गया, इस फिल्म के निर्देशक कौन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंजन कुमार। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल गैलरी
ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक प्रदर्शनी केंद्र जेफरी बाबा वहाँ होना आवश्यक है का उद्घाटन किया। जेफरी बाबा किसी पेशे से संबंधित हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तुकार हैं। किस तैराक ने सबसे अधिक व्यक्तिगत विश्व तैराकी खिताब माइकल फिलिप्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केटी लेडेकी ने। केटी लेडेकी एक अमेरिकी महिला तैराक हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने मो घरा मेरा घर योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस स्थान से राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान जो है वो शुरू किया है? किस स्थान से? तो ऑप्शन नंबर बी, तिरुपति से। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटर सोलर यूरोप प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? तो किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूनिख में। कहाँ पे? म्यूनिख में आयोजित की गई है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी निर्मित सर्विस मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो किसे दिया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम को। और गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसमुख आधिया को। और किस शहर ने एक स्थान पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्रित होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस शहर ने बनाया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत ने। किस शहर ने? सूरत ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 1.5 लाख से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। तो इस प्रकार हमारा ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।